हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने लिए हैं गोभी के डंठल, और आज मैं इनकी एक नए प्रकार की सब्ज़ी बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना भूल गई थी, तो इमेज मैंने ली थी उसी से फिर आप सबको समझा दोस्तों। दिया। यहाँ पर ये हमने गोभी के जो डंठल होते हैं उनको काट लिया है अच्छे से। अब इनको उबालने के लिए धुल के पहले इनको अच्छे से वॉश करूँगी सारी गंदगी हटा के, और अच्छे से धुल जाएंगे फिर उनको उबलने के लिए रख दूँगी। और मैं गोभी के डंठल की सब्ज़ी बनाऊँगी, इसमें आलू भी ऐड करूँगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहना और फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छे से धुल लिया है, और दो आलूओं को हमने छिकल उतारा नहीं है, ऐसे ही कट करके इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं दो सीटी इसमें लगा लूँगी, उबाल लूँगी अच्छे से, नहीं तो ये थोड़ा सा जब कच्चा बना तो ये टाइट रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसको उबाल लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छे से उबाल लिया है, आलू भी बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं। ये थोड़े आलू जो हैं वो फुसफुसे टाइप के हैं, तो कुछ एक ही सीटी में, मतलब दो में एक ही लगाई, दो नहीं लगाई तो ज़्यादा उबल गया। और ये देखिए थोड़ी सी ये भी टाइट लग रही थी, लेकिन ये भी ठीक है। तो आलूओं को छील लेते हैं और इसका पानी निकाल देते हैं, फिर इसकी मतलब इसमें तड़का लगाएंगे। और आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। कटोरी भी हम दे देंगे, क्या करोगी? हाँ, इनको आलू बहुत ज्यादा पसंद है, कटोरी लेने गए हैं। उबले हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं इनको, लेने गए थे बंदर बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। क्या है? आलू भी दे रहे कटोरी अभी दे रहे। तुमने आलूओं को छील लिया है और अभी इसका पानी निकालेंगे, तो ये थोड़ी ठंडी में बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए दोस्तों, हमने इसका पानी जो था निकाल दिया है सारा अच्छे से, और ये आलू हमने फोड़ लिए हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें इतना सारा पानी निकला है, इसको निकाला। तो अब इसको हम कुकर को धुलेंगे और इसका मतलब इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं तब तक इसको ढक के, और अभी हम फ्राई करेंगे इसे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लहसुन को छील लिया है, चार कलियाँ हैं लहसुन की, एक चुटकी हींग है, दो मिर्चें, और ये मेथी दाना है। तो इसका मैं लगाऊंगी तड़का यहाँ पर, और आप लोग इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, मैं सिर्फ इस ये वाली भुंजिया बनाती थी बिना आलू की, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाते हैं सब्जी। पर तेल एकदम बहुत तेज़ हो गया है, स्लो आंच पर है, लेकिन इसमें क्या होता है ये कढ़ाई जब भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर पहले हम मेथी दाना को डालते हैं। तो इधर हमने मेथी दाना डाल दिए हैं, और उसके बाद लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन के बाद, लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, इसके बाद हींग और मिर्च को डाल दूंगी। बिट्टू नहीं छुआ गैस। अब तड़का अच्छे से हो चुका है, इसके बाद मैं डालूंगी ये। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी जो साग है उसको मतलब पूरा साग डाल दिया है, पर ये बहुत शैतानी करती हूँ। इसके बाद इसी में हम ये
आलू भी ऐड कर रहे हैं। तो अच्छे से फ्राई करूंगी और अच्छे से इन्हें भूनना है, बहुत ही अच्छे से भून लूंगी। अभी लो बच्चे, अब गोदी ले रहा है थोड़ा इसमें। आधा चम्मच नमक डाला है, नमक थोड़ा सा पहले भी मैंने डाल दिया था। तो दोस्तों इसको अच्छे से भून जाने देते हैं, लो आंच पर भूनेंगे। दोस्तों स्लो आंच पर बहुत ही अच्छे से भून चुकी है ये, बस बंद करने वाली हूँ। और आप लोग देख सकते हैं एकदम सुनहरी सुनहरी हो गए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, ये बहुत अच्छे से भून चुकी है, एकदम कुरकुरी हो रही है। बस 2 मिनट इसे और भून लेते हैं और उसके बाद केस को बंद कर दूँगी। बिल्कुल स्लो आँच पर भून रही हूँ क्योंकि ये वाली जो कढ़ाई होती है उनमें बहुत जल्दी से जल जाती है सब्जी। दोस्तों सब्जी तैयार हो चुकी है और ये आलू ऐसे ही में तेल बिल्कुल भी नहीं पता चलता, चाहे कितना भी डालो। और कुरकुरी सी भुन गई है, देखिए दोस्तों ये गोभी के डंठल, कोई नहीं बताएगा ये गोभी के डंठल हैं। और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, आप चाहें तो इसे पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सोंधी सोंधी बहुत टेस्टी है सब्जी।